जब मैं 2013-14 में चुनाव के समय भाषण करता था और मैं भ्रष्टाचार की बातें बताता था तो लोग अपना रोष व्यक्त करते थे, लोग चाहते थे हाँ कुछ होना चाहिए। अब हमने आकर के सिस्टमेटिकली उन चीज़ों को करने पर बल दिया कि सिस्टम में ऐसे कौन से दोष हैं। अगर देश पॉलिसी ड्रिवन है, ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें अवेलेबल है, भाई ये कर सकते हो ये नहीं कर सकते हो, ये आपकी लिमिट है, इस लिमिट के बाहर जाना है तो आप नहीं कर सकते, कोई और करेगा। मैंने उस पर बल दिया, ये बात सही है कि लेकिन ग्रे एरिया मिनिमल हो जाता है जब ब्लैक एंड वाइट में पॉलिसी होती है और उसके कारण डिस्क्रिमिनेशन के लिए कोई संभावना नहीं होती है। तो हमने एक तो पॉलिसी ड्रिवन गवर्नेंस पर बल दिया, दूसरा हमने स्कीम्स जो हैं उसको सैचुरेशन पर बल दिया कि भाई 100% जो स्कीम जिनके लिए हैं उन बेनिफिशरी को 100%, जब 100% है तो लोगों को पता है मुझे मिलने ही वाला है, तो करप्शन के लिए कोई जगह ढूंढेगा नहीं। करप्शन करने वाले भी कर नहीं सकते क्योंकि वो कैसे कैसे कहेंगे, हाँ हो सकता है किसी को जनवरी मिलने वाला मार्च में मिले अप्रैल में मिले हो सकता है, लेकिन उसको पता है कि मिलेगा। और मेरे हिसाब से सैचुरेशन करप्शन फ्री गवर्नेंस की गारंटी देता है, सैचुरेशन सोशल जस्टिस की गारंटी देता है, सैचुरेशन सेकुलरिज्म की गारंटी देता है।